जी हाँ, चेतन जी भी मान रहे हैं कि कंगारू कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और फेवरेट भारत है और इस सीरीज को भारत को जीतना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन एक जो नयापन नजर आया है वो है वीरेंद्र सहवाग। हम आपको दिखाते हैं और इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि वीरेंद्र सहवाग चश्मा लगाकर बल्लेबाजी और फील्डिंग करते हुए नजर आया है और ये मामला सुलझाएगा या उलझाएगा। हालांकि सुलझाने के लिए चश्मा लगाया है लेकिन एक चैलेंज है यहां पर, क्योंकि आईसाइट नॉर्मल होना और चश्मे के साथ खेलना में बहुत फर्क होगा। चेतन जी, एक क्रिकेटर के तौर पे आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना, क्योंकि आप बाय नेचर आप बिना चश्मे के खेलते जा रहे हो, इतने सत्तर साल तक आप खेलते चले जा रहे हो, एकदम से आप चश्मा पहनते हो, तो चश्मे से सबसे पहली तो बात ये हो जाती है कि आपकी जो आईसाइट है वो रेक्टिफाई होती है, यानी और तेज होती है और अच्छी होती है, नॉर्मल हो जाती है। हो सकता है कि खेलते खेलते उम्र के साथ साथ जो है आईसाइट जो कमजोर हो जाती है, चश्मा आप लगाएंगे तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, फिर आपको अच्छा दिखेगा। उसमें थोड़ा सा रिएक्शन होता है, इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। चश्मा जो होता है वो लगाकर खेलने में थोड़ा सा सेटल डाउन होता है, शुरू शुरू में थोड़े से बड़ा चैलेंज है यहां पर वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल बिल्कुल है। अब ये अब वो कर रहे हैं क्योंकि अभी भी टाइम है, आज टाइम अभी बाकी है। और खासकर सवाल ये भी कि उन्होंने करियर की शुरुआत से चश्मा लगाकर नहीं खेले, सौरभ गांगुली की तरह जिनको आदत रही, वीरेंद्र सहवाग कोई आदत अब डेवलप करनी होगी, ये भी एक और बड़ा मुश्किल उनके लिए काम है यहाँ पर। चेतन जी देखिए इसमें तीन चार दिन तो लगते हैं, तीन चार पांच दिन तो लगते हैं, वो जल्दी कितनी जल्दी सेटल होते हैं, और ये भी देखना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। ये बहुत कुछ प्लेयर के ऊपर निर्भर करता है कि क्या उनको ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ज्यादा उसे खेल अच्छा हो रहा है, तो ये सब प्लेयर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि चश्मा यदि पहनना है और कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, ऑफ सीजन में आप करें और तीन चार पांच आप मैच खेल लें, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट।